भाई देखिए, मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, आपको गाड़ी खरीदनी है आग बंद करके जाइए, टाटा टियागो सीएनजी खरीद लीजिए। हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले बेस्ट सीएनजी कार अंडर 8 लाख रुपीज। अब आप सोच रहे होगे 8 लाख रुपए के अंदर कौन सी ऐसी गाड़ी आती है जो मतलब बेस्ट हो, आपके प्राइस को जस्टिफाई करे जो भी आप खर्च कर रहे हो। तो देखो, गाड़ियां सबसे ज्यादा तो मारुति की हैं जो सीएनजी में आती है कंपनी फिटेड। अब जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी गाड़ियों को मतलब अपनी गाड़ियों में सीएनजी दे दिया है, काफी सारे ऐसे इनोवेशन से कर रहे हैं, तो काफी ऐसे मजेदार सी हो गई है गाड़ियां, जैसे कि टाटा हो गई या हुंडई हो गई। तो आज की हमारी लिस्ट में टोटल गाड़ियां हैं 6, और उन 6 गाड़ियों में से मोस्टली आप सबको पता है यार मारुति होगी, 4 गाड़ियां तो मारुति की हैं, 2 गाड़ियां अदर मैन्युफैक्चरर्स की। बट उन 6 गाड़ियों में से जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है आपके पैसों के लिए, वो हम बताने वाले हैं आपको। तो गाइज, अगर आपको हर गाड़ी के गुड और बैड देखने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हर गाड़ी के रोज गुड और बैड आते हैं, कौन सा गाड़ी का क्या गुड है, कौन सी गाड़ी का क्या बैड है। इवन अब हम लग्जरी गाड़ियां भी कवर करने लगे हैं वहां पे, तो ऐसे काफी ऐसे मजा सा आने वाला है आपको वहां पे। तो सबसे पहले जो गाड़ी आती है ऑल्टो 800 आती है। अब भाई ऑल्टो 800 आज की गाड़ी नहीं, ऑल्टो नाम ही बहुत पुराना है। अब इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 5,13,000 रुपए से, जो आपकी LXI ऑप्शनल वेरियंट मिलेगा अल्टो का। बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की, तो गाड़ी के अंदर आता है 1 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन। अब हम अगर बात करें इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की, तो सिंपल सा मैं बताऊं, 31.5 का जो ARAI क्लेम्ड माइलेज है इसका, 31.5 किलोमीटर पर केजी जो ये गाड़ी चलती है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, प्राइस भी काफी डिसेंट है, 5 लाख रुपए में आपको पूरी सीएनजी गाड़ी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं ये काफी जस्टिफाइबल कार है। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी गाड़ी की, वो है मारुति की एस्प्रेसो, इसको लॉर्ड एस्प्रेसो भी कहते हैं। बात करेंगे इसमें वेरियंट की, तो इसमें सिर्फ सीएनजी के 2 वेरियंट आते हैं, LXI और VXI, जिसकी जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,90,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन गाड़ी की जो माइलेज है वो काफी जस्टिफाइबल है, प्लस इसका जो वेरिएंट्स है 2-2 वेरिएंट आते हैं, तो आपको काफी सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें भी वो सेम इंजन आता है 1 लीटर 3 सिलेंडर का, आपका नेचुरल एस्पिरेटेड मारुति का इंजन आता है, बट इसमें जो है, क्योंकि इसमें ऐसे मारुति ने थोड़ी बहुत ऐसे कॉस्ट कटिंग वटिंग की है, थोड़ी ऐसे हल्की बनाई है गाड़ी को, तो इसमें जो माइलेज मिलता है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है कंपेयर टू अल्टो। अब देखिए, इसका जो ARAI क्लेम्ड माइलेज है वो 32 किलोमीटर पर किलो का है, 32.7 का, तो कहीं ना कहीं ये अल्टो से ज्यादा, जो कि 31 के अराउंड था। अब बात करेंगे हमारी तीसरी गाड़ी की, तीसरी जो गाड़ी है वो है वैगनआर, आप सबकी चहेती, मतलब आप सबकी चहेती नहीं, मतलब अब ये मत बोलना भाई आप लोग कि भाई OTP बता दो, मतलब थोड़ी दूर वीडियो देखते देखते। गाड़ी की जो हाइट है काफी ज्यादा है, इवन अगर आप बगल में ब्रेजा खड़ी कर दो, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली ब्रेजा अगर आप खड़ी करते हो तो गाड़ी की हाइट लगभग बराबर है, तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं इस गाड़ी को एक एडवांटेज मिलता है। गाड़ी के अंदर एनएफ लेगरूम, हेडरूम सब कुछ मिलता है, मतलब प्राइस के हिसाब से काफी जस्टिफाइड गाड़ी है। तो अब बात करते हैं इसमें वेरियंट्स की, तो इसमें बेसिकली 2 वेरियंट्स इसमें भी आपके आएंगे सीएनजी की, जो है LXI और VXI, जो 6.43 लाख से स्टार्ट होती है वैगनआर आपकी। गाड़ी काफी ऐसे बल्की सी लगती है रोड पे, की का मतलब ऐसे है तो वैगन शेप में ही गाड़ी, लेकिन गाड़ी क्योंकि ऐसे उसमें एनफ आपको हेडरूम मिल जाएगा, लेगरूम मिल जाएगा फैट बॉय डिजाइन की वजह से, तो वैसे काफी आपको प्रैक्टिकल सी होने वाली है गाड़ी। इसमें भी आपको सेम 1 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा, नेचुरल एस्पिरेटेड का, सेम पावर वगैरह जनरेट करेगा, बट इसमें जो सबसे बेस्ट बात है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। अब आप कहोगे कि भाई फ्यूल एफिशिएंसी कैसे, भाई इसमें 34.5 किलोमीटर पर केजी का आपको एवरेज मिलता है, मतलब एस्प्रेसो और अल्टो से भी ज्यादा, मतलब गजब है भाई। तो अब बात करते हैं हमारी चौथी गाड़ी, और चौथी गाड़ी जो है वो है टाटा की टियागो। भाई आप सबकी चहेती गाड़ी है, मतलब टियागो अपने आप में बेस्ट 4-स्टार रेटेड कार है, और जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जस्टिफाइड कार है। टियागो की बात करें तो इसमें आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा ज्यादा मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो इसमें इंजन मिलता है वो आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी वजह से आपको पावर और टॉर्क भी काफी ज्यादा मिलता है कंपेयर टू वैगनआर, अल्टो या सेलेरियो या एस्प्रेसो, इस तरह की जितनी भी गाड़ियों पे। अब हम वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आते हैं XE, XM, XT, XZ, XZ प्लस डुअल टोन, मतलब बताओ कितने सारे वेरिएंट है भाई, आप मतलब टॉप मॉडल भी सीएनजी वेरिएंट खरीद सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की प्राइस की, तो गाड़ी की जो प्राइस स्टार्ट होती है 6.44 लाख से स्टार्ट होती है,
जो कहीं ना कहीं काफी जस्टिफाइड प्राइस है, क्योंकि गाड़ी ओवरऑल डिजाइन परस्पेक्टिव से, इंटीरियर परस्पेक्टिव से, हर तरफ से गाड़ी अच्छी लगती है और काफी ऐसे आपको मजा सा आने वाला है। अब बात करेंगे गाड़ी के माइलेज की। देखिए टाटा टियागो सीएनजी की जो माइलेज है वो अराउंड 28.4 किलोमीटर पर किलो है। यार ये किलो पर लीटर वाला बड़ा कंफ्यूजन होता है जब सीएनजी की बात करते हो। तो सिंपल सी बात है, 28 का एवरेज है पर किलो सीएनजी पे। अब बात करेंगे हमारी पांचवी गाड़ी जो है मारुति की सेलेरियो। देखिए सेलेरियो अपने आप में काफी एक सक्सेसफुल नाम रहा है, काफी टाइम से सेलेरियो मारुति वालों की आई है और काफी टाइम से चल रही है। इसमें जो सीएनजी वेरियंट मिलेगा वो सिर्फ एक सीएनजी वेरियंट मिलेगा, वो भी VXi, जिसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो अराउंड 6.73 लाख होगी। इवन इसमें जो मतलब वेरियंट में तो कोई ऑप्शन है नहीं, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। इसमें जो इंजन आता है सेम आता है, 1 लीटर का नेचुरल स्पीड 3 सिलेंडर इंजन जो सेम पावर आउटपुट जनरेट करता है जो ऑल्टो वैगन आर इन सब गाड़ियों में देता है, सेम मारुति इंजन देता है और गाड़ी में डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर वगैरह सब मिलता है। कोई ऐसा इसमें कंप्लेन वाली बात नहीं है कि मतलब आप कंप्लेन करो। बात करेंगे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की। भाई सेलेरियो का 35 का ARAI क्लेम्ड माइलेज है, मतलब सीएनजी पे जो 35 किलोमीटर पर किलो गाड़ी देती है एवरेज, इतना ज्यादा एवरेज है ना सेलेरियो का, मतलब हर कोई दीवाना हो जाता है सेलेरियो का। अब बात करेंगे आज की हमारी आखिरी गाड़ी की, जिसका नाम है ग्रैंड आइटन नियोस की। तो देखिए ग्रैंड आइटन नियोस की डिजाइन काफी अच्छी है, फिट फिनिश क्वालिटी भी काफी अच्छी है, गाड़ी काफी प्रीमियम सी लगती है। बजट सेगमेंट में सीएनजी गाड़ी होने मतलब ऐसे आपको रोड पे चलेगी तो ऐसे पता भी नहीं चलेगा सीएनजी में बैठा। प्लस ये गाड़ी थोड़ी ऐसे टैक्सी वैक्सी में कम चलती, थोड़ी ऐसी जस्टिफाइड गाड़ी है, मतलब आप समझ सकते हो ना राइट। तो देखिए ग्रैंड आइटन नियोस में आपको 2 वेरियंट आते हैं, एक मैग्मा और एक स्पोर्ट्स, और यही 2 वेरियंट है, इसके अलावा आप और कुछ चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इसमें इंजन मिलेगा आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा जो हुंडई का कापा वाला इंजन है। इसमें आपको जो माइलेज मिलेगा वो 28 का मिलेगा, तो ऐसे सही है, माइलेज डिसेंट इनफ है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखिए इन सारी गाड़ियों में सबसे प्राइजी गाड़ी यही है, 7.55 लाख से ये गाड़ी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ये हम रिकमेंड नहीं कर सकते आपको इस वीडियो में। अब आप सोच रहे हो यार पूरी वीडियो दिखा दिया, सारी गाड़ियां बता दिया, अब भाई ये तो बता दो मैं लू कौन सी। भाई देखिए मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, आपको गाड़ी खरीदनी है आग बंद करके जाइए, टाटा टियागो सीएनजी खरीद लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। बता भी देता हूँ क्या क्या मिलेगा। पहला तो उसमें आपको मजबूती मिलेगी, दूसरे में उसमें आपको 28 का एवरेज जो कि NF है, बहुत ही अच्छा NF है। तीसरा उसमें सबसे अच्छी चीज है कि इंटीरियर की जो क्वालिटी है, प्लास्टिक फिट फिनिश सब बहुत ही अच्छी है। चौथा उसका इंजन काफी अच्छा है कंपेयर टू इस सेगमेंट में, 1.2 लीटर का आपको NF टॉर्क NF BHP बना के देगा, आपको वैसे मजा आएगा, आपको फील नहीं कराएगी वो गाड़ी। पांचवा उसमें आपको NF ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो गाड़ी कहीं ना कहीं काफी इजी टू यूज है, इजी टू राइड है। छठवां जो है इसकी जो हैंडलिंग है वो काफी अच्छी है, टियागो की जो हैंडलिंग है काफी अच्छे से फन टू ड्राइव है, तो आपको काफी मजा आने वाला है, तो ऐसे प्राइस काफी जस्टिफाइड है इस गाड़ी की। अब आप कहोगे चलो भाई ठीक है अच्छे हो गया, इसके अलावा क्या? तो इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है ये कि टाटा टियागो और टाटा टिगोर में भी ट्विन सीएनजी टेक्नोलॉजी आने वाली है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, टाटा की पेटेंट है जो अभी इन्होंने रिसेंटली अल्ट्रोज में लॉन्च किया और टाटा पंच में लॉन्च करने वाले हैं। तो आप समझो आपके पास सिलेंडर भी है और आपके पास बूट भी है, तो मतलब आपके गाड़ी में पीछे बूट भी होगा, सिलेंडर सीएनजी गाड़ी होने के बाद भी आपके पास बूट है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है। और अगर आप दिल्ली NCR में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, चाहे हमें DM करो, हम आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट दिला देंगे इन गाड़ियों पे। हमारे पास काफी सारे ऐसे डिस्काउंट ऑफर चलते हैं जो दिल्ली NCR के अंदर हम आपको दिला सकते हैं, इवन नॉट दिल्ली NCR, आप बैंगलोर या मुंबई, जो भी Tier 1 सिटीज से आप अगर वीडियो देख रहे हो, आप हमें DM करके आप हमें पूछ सकते हो और हम आपको कोशिश करके आपको आपके नियरेस्ट डीलर से इन गाड़ियों पे डिस्काउंट दिला सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीक सेम टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।